अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्हाबी कन्नुजूम फबी अय्यिहिम इब्तदैतुम इह्तदैतुम। अल तैबा टीवी चैनल पर मैं अपने नाजरीन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जमात सहाबा कराम की ज़िंदगियों के खूबसूरत और अनमोल वाक़यात के साथ हाजिर होता हूँ। आज मैं रसूलुल्लाह के एक खादिम का तज़किरा करने जा रहा हूँ जिन्हें तारीख रबिया बिन काब के नाम से याद करती है। ये एक नौजवान है, नौजवानी की हालत के अंदर नूर ईमान से मुनव्वर हुए तो सीना इस्लाम के रमूज और इसरार से लबरेज हो गया और इन्होंने दीदार नबी का सुरमा अपनी आँखों में डाल लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रबिया के बदन के रुएं रुएं के अंदर सिरायत कर गई। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने आप को रसूलुल्लाह की खिदमत के लिए वक्फ कर दूं। बेसरो सामानी के आलम में सुफा पे रहने वाला ये नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप मुझे अपना खादिम बना लीजिए, मैं आपकी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राहे करम कमाल शफ़क़त फरमाते हुए इजहार मुसरत फरमाया और कहा कि ठीक है, तुम मेरी खिदमत के लिए तैयार रहो। ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये इतना खूबसूरत लम्हा था रबिया के लिए कि उसने अपनी ज़िंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया और खुशी से झूम उठा और अपनी किस्मत पे नाज करने लगा कि वो कायनात के सबसे अजीम, सबसे बदतर, सबसे आला इंसान का नौकर है। रबिया कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साए की तरह बाअदब आके खड़ा रहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई काम करने का हुक्म फरमाएं तो मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार रहूं। कभी वो आपके वज़ू का बंदोबस्त करते, कभी वो आपके जूते सीधे करते। सुबहान अल्लाह। और रात का अक्सर हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे बैठे रहते कि कहीं मेरे हबीब को कोई ज़रूरत पेश आए और वो मुझे हुक्म फरमाएं कि रबिया ये काम करो। तो रबिया कहते हैं, मैं दरवाजे के अंदर बैठा हुआ, बाहर बैठा हुआ रसूलुल्लाह की तहज्जुद की नमाज की तिलावत को सुनता, कभी समी अल्लाहु लिमन हमीदा की सदाओं को सुनता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आपसे हुस्न सलूक से कोई इंसान भी पेश आता तो आप इससे बेहतर अंदाज में उसका बदला अता फरमाते कि आपके कमालात और आपका जमाल, आपकी मोहब्बत वो सबसे आला है। तो रबिया कहते हैं कि एक दिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि रबिया, तुम मांगो, मुझसे क्या मांगते हो, रहमत का दरिया जोश के अंदर है, कुछ मांगो। तो रबिया कहते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त अता फरमाइए। तो रबिया कहते हैं, मैंने सोचा कि गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मिस्कीनी के अंदर गुजर रही है, तो आज रहमत कायनात ने मुझे कहा है तो मैं क्या मांगूं। दिल के अंदर ख्याल आया कि मैं माल दौलत मांगूं, असबाब मांगूं, शादी करूं और अच्छी जिंदगी बसर करूं। फिर दिल के अंदर ख्याल आया कि क्यों मैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आर्जी जिंदगी के लिए कुछ क्यों मांगूं। फिर उसके दिल ने गवाही दी कि रबिया, तुम अगर मांगना चाहते हो तो फिर रसूलुल्लाह से जन्नत के अंदर रिफाकत को तलब कर लो। जैसे इस जिंदगी में रसूलुल्लाह के खादिम की हैसियत से जिंदगी बसर कर रहे हो और रसूलुल्लाह के साथ आखिरत की रिफाकत मांग लो। रबिया अगले दिन रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगूं, तो मैं आपसे ये मांगता हूँ कि मुझे जन्नत के अंदर, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर आपका रफीक बना दे, मुझे जन्नत के अंदर अल्लाह आपका खादिम बना दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मुतालबा तुम्हारे जहन में कैसे आया? तो रबिया कहते हैं, या रसूलुल्लाह, आपसे इतनी मोहब्बत है कि आपकी मोहब्बत का सुरमा अपनी आंखों में लगाया है, तो दिल ये चाहता है कि ये जिंदगी भी आपके कदमों में गुजरे और आखिरी जिंदगी भी हमें कदमों में गुजरे। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रबिया, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर मेरा रफीक बना दे, जन्नत के अंदर तुम मेरे साथी रहो, तो फिर तुम नेक आमाल करो, अपने अल्लाह का जिक्र करो। और भी बहुत सी बातें हजरत रबिया को बताई। तो हजरत रबिया कहते हैं, दिन गुजरते रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जाम पीता रहा, बसत एहतराम आपकी खिदमत में हाजिर रहता। तो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रबिया, तुम शादी क्यों नहीं करते? तो मैं गरीब था, मिस्कीन था। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, मेरे पास तो शादी के लिए कोई खर्चा नहीं, मैं शादी कैसे करूँगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तो फिर जनाब नबी करीम ने थोड़े दिनों के बाद फिर रबिया से कहा कि ए रबिया, तुम शादी क्यों नहीं करते? तो रबिया कहते हैं, मैं फिर खामोश रहा। जब तीसरी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि रबिया, तुम शादी क्यों नहीं करते? तो रबिया कहते हैं, मेरे दिल में ये बात आई, जब रहमत कायनात बार बार कहते हैं, तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, आप अगर ये चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो रबिया कहते हैं, मुझे मुस्तफ़ा करीम ने कहा कि तुम जाओ फलां घर के अंदर जाके पैगाम दो कि तुम्हारे नबी ने ये कहा है कि मुझे तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। तो रबिया कहते हैं, मैं शर्माता हुआ निगाहें नीची करके उस दरवाजे पे पहुंचा और जाके रसूलुल्लाह का पैगाम दिया। ये बड़ी अजीबो गरीब कहानी है कि रबिया कहते हैं, मैंने जाके घर वालों को पैगाम दिया कि मैं रसूलुल्लाह का पैगाम्बर हूँ, मैं रसूलुल्लाह का पैगाम लेके आपके दरवाजे पे आया हूँ कि मेरे नबी ने कहा है कि आप मुझे अपनी फर्जंदी के अंदर ले लीजिए। तो घर वालों ने कहा, अगर तुम रसूलुल्लाह के पैगाम्बर हो और अगर आप आका ने आपको हमारी फर्जंदी के लिए भेजा है तो हमें ये फर्जंदी कबूल है। रबिया कहते हैं, मैं खुशी से वापस आया तो मैंने रसूलुल्लाह से कहा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, आपने इतने अच्छे लोगों के पास मुझे भेजा कि आपके पैगाम के सामने उन्होंने किसी किस्म का कोई इनकार नहीं किया, बल्कि वो आपका पैगाम सुनते ही मुझे अपना बेटा बनाने के लिए तैयार हो गए। तो रबिया कहते हैं, या रसूलल्लाह, मेरे पास तो कुछ माल नहीं, मैं अपनी बीवी का मेहर कहाँ से अदा करूँगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के एक सरदार से कहा कि जाओ तुम सोने का बंदोबस्त करो, सोने की एक डली लेके आओ और रबिया को दो ताकि ये अपनी बीवी का मेहर अदा कर सके। तो रबिया कहते हैं, रसूलुल्लाह ने मेरे हक मेहर का इंतजाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, निकाह का बंदोबस्त हो गया, अब मैं वलीमा कैसे करूँगा? मेरे पास तो वलीमा करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबिया से कहा कि जाओ मेरे घर में जाके आयशा से कहो, अगर तुम्हारे पास कुछ मौजूद है तो वो तुम्हें ज़रूर अता करेगी। तो रबिया कहते हैं, मैं आकाए कायनात के दरवाजे पे पहुंचा, जाके अर्ज़ किया कि ए उम्मुल मुमिनीन, मुझे अपने वलीमे के लिए कुछ खाने के लिए दरकार है। तो उन्होंने अपने घर के अंदर पड़े हुए जौ का कुछ आटा जितना भी घर के अंदर था मुझे दे दिया। फिर रसूलुल्लाह ने एक अंसारी से कहा कि अपने इस भाई के लिए एक बकरी का बंदोबस्त करो। तो एक सहाबी मेरे वलीमे के लिए एक बकरी लेके आए और वो मैंने जाके अपने ससुराल के अंदर उनको दी और उन्होंने मुझे कहा कि रोटियां हम पकाते हैं, बकरी अपने दोस्तों को लेकर तुम ज़िबा करो। जब आपका वलीमा तैयार हुआ तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफीस रबिया के वलीमे के अंदर शरीक हुए। तो ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अपने ग़ुलामों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने खादिमीन के साथ कैसी मोहब्बत का बर्ताव है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी गरीबी और मिस्कीनी के अंदर गुजरी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अहिनी मिस्कीना, ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीनों के अंदर जिंदा रख, व अमितनी मिस्कीना, और मुझे मिस्कीनों के अंदर मौत दे दे, वहशुरनी फी जुमरती मसाकीन, और कल क़यामत के दिन ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीनों के साथ खड़ा कर देना, क्योंकि ये मिस्कीन अमीर और मालदार लोगों से 500 साल पहले जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। अल्लाह मुझे, आपको, पूरी उम्मत को रसूलुल्लाह के गुलामों की मोहब्बत नसीब फरमाए और रसूलुल्लाह के गुलामों की तरह हमें अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत की अता फरमाए। व आखिर दावाना